हेलो दोस्तों, टर्बो हाइड्रोलिक में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं तुम्हारा भाई सुखविंदर सिंह सब्बू मुजफ्फरनगर से। दोस्तों आज जो है टाटा कंपनी का जो 12 चक्का है उसका आगे वाले पेंडल का जो कि स्पेंडल का बैरिंग खराब हो गया है आपके सामने ही है। बैरिंग का कवर भी उतर के नीचे आ चुका है और जो है ऐसे हम खोलेंगे और खोलने के बाद ही पता लग पाएगा कि इसमें और भी क्या क्या इसमें कमी है दोस्तों, क्योंकि ये बैरिंग पता नहीं क्यों टूटा और किस वजह से टूटा यार, काफ़ी समय से चल रहा था इस वजह से, या कस्टमर की लापरवाही कह सकते हैं कि फ्रंट एक्सल जो है समय पर चेक ना करवाने की वजह से हुआ। कहने को अब ये भी कहें समय पर चेक हो गया है, जो कि टायर खाने की कोई समस्या नहीं थी इस गाड़ी के अंदर, और जो समस्या थी वो थी एक चाल होने की स्पेंडल में, जो कि उसे ये ऐसा महसूस दिला रहा था कि गाड़ी का जो स्पेंडल है रास्ते में कहीं टूट कर बाहर या स्पेंडल का फ्रंट एक्सल कुछ भी हो सकता था। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के साथ, आगे हम बात करेंगे। रस्ते का काम रस्ते का ही होता है दोस्तों, रस्ते में आपने जो काम करवाया होता है उसका ऐसे ही होता है। दोस्तों ये कस्टमर हमारे पास आया है और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इसका रस्ते में बैरिंग हल्का सा ख़राब हो गया था, जो कि इसने मार्केट से जो है मतलब पूरा जो है सामान खरीद लिया, और कौन सी मार्केट थी ये मुझे मालूम नहीं है और कौन सी वो जगह थी। इसने एकदम सडनली ये काम कराना जरूरी हो गया, क्योंकि इसका जो वहाँ था मतलब काफ़ी स्पेंडल में चाल हो गई थी, जो कि दोस्तों ये रस्ते से करवा के ही अभी ला रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि दिन तो काफ़ी हो गए हैं मगर गाड़ी वहीं से चलकर आ रही है, और ट्रैक्स उन्होंने फिर सीधी हमारे पास ही रोकी, क्योंकि कॉन्टैक्ट थे इस बंदे के मेरे साथ और ये हमारे पास जैसे ही आया और हमने इसे, क्योंकि दोस्तों गाड़ी जो है राजस्थान की उधर की है और राजस्थान से दोस्तों इधर आई है मेरे पास, मैं आपको बता ही देता हूँ, क्योंकि राजस्थान का एक बंदा है जो कि हमारे पास ही काम कराता है, स्पेशली वहाँ से इधर आया, तो वहाँ पर जो इन्होंने काम करवाया है इसमें स्पेंडल में, बैरिंग तो चेंज कर दिया है, पता नहीं क्या इसमें क्या नहीं करा, तो बैरिंग दोस्तों फिर टूट गया है और पहले तो ख़राब था ही था, अब पता नहीं उन्होंने मुझे लगता है पुराना बैरिंग डाल दिया है, नया डाल दिया है या नए के पैसे ले लिए हैं, ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? ये जो होता है अधूरी जानकारी की वजह से, आपको जानकारी पूर्ण होती नहीं है और आप काम वहाँ खुलवा लेते हैं और फिर वो आपके साथ ये दिक्कतें पैदा करता है और फिर आपको इस चीज़ का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों अब जो है इसका हमने फ्रंट एक्सल का जो साइड का जो स्पेंडल है कनेक्टर साइड का वो हमने खोलना है और खोलकर इसमें देखना है इसमें और क्या कमियां हैं, जो कि अब पूर्ण रूप से जो है हम इसे सही करेंगे, और कैसे सही करेंगे दोस्तों आप वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों बने रहना वीडियो के साथ, क्योंकि दोस्तों ये जानकारी आपके बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप रस्ते में जा रहे हैं और आपके साथ अगर ऐसा हो जाए तो आप उस चीज़ को उस मिस्त्री को या उस मैकेनिक को उसे डायरेक्ट इस बात को मुद्दे से कह सकते हैं कि भाई ये सामान नहीं डालना इसमें, इसमें ये वाला सामान डलेगा, नहीं नहीं ये जुगाड़बाजी नहीं करनी। अब मान लो आपने वहाँ करवा भी लिया ज़बरदस्ती करके मजबूरी करके, किसी की बहुत ही अत्यंत मजबूरी होगी, मगर उसमें आप यही तो दे सकते हैं कि बैरिंग कौन सा डाल रहा है, वो कैसा डाल रहा है, मान लिया भी बैरिंग नहीं मिल रहा पुराना डालने की कोशिश कर रहा है तो चल पुराना डाल दे, मगर दोस्तों उस चीज़ की भरपूर तरीके से जानकारी भी तो होनी चाहिए आपको कि हाँ भी आपने ये स्पेंडल खुलवाना है और स्पेंडल में क्या क्या सामान डालना है। सिर्फ इसमें एक सिम होती है, वॉशर होती है, और एक इसके अंदर होता है बैरिंग, और वो बैरिंग और दोनों का सेम का जो साइज़ है सेम होता है, इसमें अलग से कोई वो नहीं डलती सिम वगैरह किसी प्रकार से। अगर वो सिम डालता है दोस्तों तो आपका फ्रंट एक्सल का जो फेस है वो ठीक नहीं है प्लस, या फिर आपका जो बैरिंग है या वो ठीक नहीं है, या फिर तीसरी चीज़ आ जाती है स्पेंडल के अगर फेस ख़राब हो गए हैं तो आपके इसमें गैप बन चुका है जो कि कंपनी से अलग हो गया साइज़, जो अपना कंपनी एक एक्चुअल साइज़ रखती है जो कि आपका वो ख़राब हो चुका है। तो दोस्तों अब वो जो साइज़ है उसे एक्वल करने के लिए वो हमें चेक करना पड़ता है खोल के, उसे उस तरीके से करना है काम को अंजाम देना है, वो तो हम खोल के चेक करते हैं, बाकी इस चीज़ को कोई और करेगा नहीं करेगा उसके बारे में मैं कह नहीं सकता। तो दोस्तों आप इस चीज़ को खुद ध्यान रखें, अगर मान लो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, अगर आपके साथ ये दिक्कत आ रही है तो ऐसी जगह खुलवाएं जहां आपको ठीक लगता है। मानता हूं कभी कभी ऐसी जगह में आप फंस जाते हैं जहां पर कोई ऐसा बंदा होता नहीं है इस काम को कराने के लिए, वो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी कहते हैं, तो उस चीज़ को दोस्तों छोड़ दो। मैं बात वो कर रहा हूँ कि जिससे कि आपको दोबारा फिर खुलवाना ना पड़े, जैसे कि ये कस्टमर ने वहाँ करवा लिया और उसने फिर दोबारा खुलवा लिया तो वहाँ पैसे लगे, अब यहाँ फिर पैसे लगेंगे, वहाँ लेबर दे के आया अब यहाँ लेबर फिर देगा, तो ये डबल काम वाले काम ऐसी जगह करवाएं जहाँ एक बारी में काम अंजाम हो जाए। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, एक बार कर दिया छुट्टी डाल लेंगे, कंपनी का सामान डाल लेंगे, वो काम करना ही नहीं है दोबारा। अब ऐसी वी रोड का पंगा है, मैं आपको वी रोड की बात बताता हूँ, एक कस्टमर आएगी वी रोड का कुछ बदलना है, वी रोड आप समझते हो ना, वी रोड तो पता ही है ना आपको, अब वी रोड का बुश जो आता है टाटा कंपनी का पूरा एक्सपेंसिव होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, और वो जो बुश है अगर आप सोचते हैं कि मैं बाज़ार से लेके दो हज़ार 2500 वाला ऐसा डालूं, दिल्ली वाला डालूं, फलाने गांव वाला डालूं, इधर कोने वाले गाँव का डालूं, तो वो नहीं चलेगा, जो चलेगा तो टाटा का चलेगा,
नहीं तो उसकी वो कुप्पी सी बाहर आ जाएगी और फिर कहोगे ये ले यार अभी तो डलवाया था, फिर आप लेबर फिर दोगे, फिर खुलवाओगे, फिर परेशान रहोगे इस चीज़ से। तो दोस्तों ये जो चीज़ें हैं आपको जानकारी के रूप में दी जाती हैं और आप इस चीज़ को वीडियो में देख कर पूरी जानकारी दे सकते हैं। नहीं तो फिर दोस्तों आपके साथ वही होगा कि वहाँ खुलवा लो, फिर वहाँ खुलवा लो, फिर वहाँ खुलवा लो, खुलवाओ जाओ, लगे रहो, बस यही काम रह जाएगा बस, और लेबर दे जाओ बार बार। एग्जैक्ट जगह देखनी नहीं है, एग्जैक्ट अगर जगह देखेंगे ना तो ही किसी काम को मुकाम हो जाएंगे। अब किसी काम के बारे में अगर पता ही नहीं है, वो जानकारी नहीं है, एक है मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा बंदा है, वो खोल ही जाएगा, वो फिट कर ही जाएगा, मतलब उसे वहाँ के लोकल के मैकेनिक भी कहते हैं भाई साहब हम अगर दोबारा खोल लेंगे ना इसकी दोबारा लेबर लेंगे। कई बार क्या होता था कोई काम ऐसे है जैसे कोई चीज़ खोलनी है, कुप्पी होगी या उसकी ब्रेक सिलेंडर हो गया, कुछ सामान हो गया गाड़ी में से खोल के चेक करना, पता ही नहीं है उसके बारे में, अब आप खोल के उसे दोबारा कर रहे हैं, किट डाल रहे हैं। एक्सपीरियंस किसी चीज़ का अगर होता है ना तो वो आदमी उसी चीज़ पे एग्जैक्ट पहुँचता है और उसी चीज़ को खोल कर उस चीज़ को मुकाम कर देता है। कहने को मिस्त्री कोई बनता नहीं, काम तो सीखते रहते हैं, सारी उम्र निकल जाती है, मगर जानकारी हो जाती है किसी ना किसी चीज़ को एग्जैक्ट पॉइंट पर कि यहाँ पर वो दिक्कत क्या है। तो इसी चीज़ को देखते हुए मैं आप सभी भाइयों को यही समझा रहा हूँ, जैसे कि ये फ्रंट एक्सल है, अभी में हम चाल चेक कर रहे हैं इस पेंटलों के अंदर भूसों में, अब मैं चाहूँ तो इसके भूस भी बदल सकता हूँ, गाड़ी मेरे पास आई है, अगर मैं ऐसा कहूँगा कि भाई भूस बदलने हैं ये मना थोड़ी करेगा मुझे, बदल दो जी। मगर स्पेंडलों में जब चाल नहीं है, कंडीशन ठीक है, बिल्कुल ओके है, फिर क्यों बदले हम, जवाब दीजिए। तो आपका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर आपके भूस वगैरह सही है तो आप ऐसा क्यों करेंगे। अब ये तो मुझे पता नहीं है, बाकी आपको पता होगा इस बारे में, मैं इस बारे में कुछ कहूँगा नहीं। और मैं तो अब सीधी बात बताता हूँ, हमारा तो हिसाब ये है कि अगर मान लो बुश ख़राब है स्पेंडल के तो बदलने हैं, अगर बुश सही है तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्या लोड है बदलने की, इसमें मतलब क्या पंगे वाली बात है, बदलना ही नहीं है, छोड़ो परे, ऐसे ही मारो, जो काम करने वाला है उसे करो, छुट्टी सीधी सी बात है, स्पेंडल है इसे हम रेडी करना है, रेडी करके अपना इसे असेंबल कर देना है। तो दोस्तों ये पूरी जो जानकारी मैंने आपको स्पेंडल के बारे में दी है, ये बैरिंग के बारे में दी है, ये दोस्तों ये उन ड्राइवर भाइयों के लिए है और उन मालिक लोगों के लिए जिन पास इतनी गाड़ियां हैं जो इन चीज़ पे गौर नहीं करते और फिर रस्ते में परेशान होते हैं, फ़ोन आता है पता चला जी रात को लेटे हुए हैं और फ़ोन आ रहा है हाँ जी ये गाड़ी का स्पेंडल जो है आवाज़ कर रहा है, या मतलब टेटा चल रहा है, या मतलब उसमें कुछ हो रहा है, मतलब मुझे टेटा सा लग रहा है, मतलब 100 बातें बता देंगे। अब आदमी सारी रात सोने से पहले यही सोचेगा यार उसमें क्या होगा, टायर तो नहीं खराब होगा, क्योंकि गलत ख्याल आते हैं आदमी के मन में जब वहाँ पर वो लेटा होता है और वो गाड़ी वहाँ हाईवे रोड पे ले खड़ा है, और सिर्फ एक जरा सी गलती जो कि हमने एक रस्ते में ऐसी जगह काम करवा लिया जहाँ पर आप दिक्कत हुई है आपके साथ कि वो वहाँ सामान जेन्युइन डला नहीं डला। क्योंकि दोस्तों मैं मुजफ्फरनगर की बात इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि हमारे मुजफ्फरनगर में यहाँ पे जो कि टाटा कंपनी है एग्जैक्ट बराबर में है, मेरी वर्षों के बराबर में टाटा कंपनी है और वहाँ से आप सामान परचेज कर सकते हैं, और कई भी मतलब और भी है दुकानें वहाँ पे बहुत है जो कि कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की, कोई सामान अगर किसी को जेन्युइन सामान लेना है जो कि गाड़ी के साथ आता है। और दोस्तों मैं साफ कहूँगा सामान दोस्तों गाड़ी के साथ जो आता है वही चलेगा, अगर आप सोचते हैं कि हम सामान वो वाला डलवा लें, दिल्ली वाला डलवा लें, बुलंदशहर वाला डलवा लें, वहाँ का डलवा लें, इधर का डलवा लें, वो डलवा लें, तो वो सब सामान आपको पता ही है बनाने वाला नॉर्मल ही है, मगर कंपनी का होना चाहिए जो हाँ भी बिल्कुल है, जैसे कि आप सैमको कंपनी के पूछाते हैं मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा मार्केट के अंदर सैमको का बूझ मिलता है, उसमें भी दो कैटेगरी आती हैं, स्पेंडल के बूझों में दो कैटेगरी आती हैं, वो पता ही नहीं है किसी को भी, उसके लिए मैं वीडियो बनाऊँगा स्पेशल दोस्तों, उसमें भी मैं आपको शो करूँगा कि ये बूझ और ये बूझ में क्या फ़र्क है और पैसों का भी फ़र्क है, और शायद आपके साथ हो भी रहा हो ऐसा कि वो बूझ जो है उस रेट में उस रेट को दिए जा रहे हों, तो दोस्तों खोलूँगा उसकी पोल भी मैं, तो दोस्तों आप बने रहेंगे वीडियो के साथ और आके देखेंगे किस तरीके से हम इस स्पेंडल को जो है असेंबल करेंगे और जो है फाइनल हो जाएगा, फिट हो जाएगा। और दोस्तों आपको जरूर बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में कि जो मैंने आपको ये वीडियो बनाकर दिखाई है और आपको ये सारी डिटेल शो की है जो कि स्पेंडल फिट करने का प्रोसेस और प्लस दूसरा इसके अंदर जो वाशर डलती है उसके अलग से जो सीमेंट डाल देते हैं वो क्यों डलती हैं और क्या वजह होती है और क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से आप जो ये भाई हैं सब परेशान हो जाते हैं। और दोस्तों मैंने आपको ये सारी बात जो बताई है ये आपको कोई नहीं बताएगा, अगर किसी को पता भी होगी वो तब भी नहीं बताएगा क्योंकि इसमें नुकसान आप ही का है, उसका फ़ायदा है, उसका फ़ायदा यूँ है कि उसके बैरिंग में भी सेट हो गया मामला और भूसा में भी मामला सेट हो गया है, बस छुट्टी दिहाड़ी सीधी होगी ऐसी तैसी,
यहाँ ऐसा कोई चक्कर नहीं है दोस्तों, यहाँ लेवल अलग तक है, बाहर तक का लेवल है दोस्तों, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम है। आपको मैं बताऊंगा समय आने पे कुछ बातें, और जो कि शो करूंगा, जो कि मैं अभी शो नहीं कर सकता दोस्तों। ये जो है आप देख सकते हैं, इस पेंडल पूरा पूर्ण रूप से हमने फिट कर दिया गया है। डैडी जो है कार्टर से जो है पुराने वाली है साफ कर दे। पहली बात तो हर कार्टर से बात याद आ गई मुझे, मैं बात ख़त्म करने वाला था। कार्टर कहीं पर तो निकलती नहीं है इसकी, मुझे कहते हैं कि तुम कार्टर कैसे निकालते हो बड़े वाली, क्या है क्या तरीका है। कई बार देखा होगा ना फंस जाती है, तो कैसे भी काट रहो काट निकाल दें, कोई चक्कर नहीं है। नहीं ये तो बहुत बड़े फॉर्मूले भी हैं, बहुत तरीके भी हैं जो हम इस चीज़ को कर सकते हैं, हमें मालूम है वो कैसे करना है। तो दोस्तों पूरी वीडियो मैंने आपको दिखा दिया है, और इसमें पूरी जानकारी दी है, जो कि स्पेंडल के बारे में। दोस्तों आप मार्केट में किसी से स्पेंडल का जो बैरिंग खरीदते हैं वो देख कर लें दोस्तों, डीलर्स कंपनी का लें, जिसका मर्जी लें, जो भी लें, बहुत कंपनियाँ आती हैं जो कि गाड़ी के साथ भी आता है, वो देखें कौन सी कंपनी का आता है, सेम वही डलवाने की कोशिश करें। मगर होरो के चक्कर में रहेंगे दोस्तों आपका नुकसान हो सकता है दोस्तों। जैसे कि अभी पूरा जो कंप्लीटेड है स्पेंडल जो है हमने फाइनल कर दिया है, और तमाम जो इसमें कमियां थी जो किसी प्रकार से वो नहीं छोड़ी हमने, क्योंकि ये दोबारा मुझे पूरी उम्मीद है ये खुलेगा नहीं, क्योंकि दोस्तों मैंने जब इसमें बैरिंग नया डाल दिया है और स्पेंडल इसके ठीक थे और उसके बुश भी ठीक थे, और प्लस दोस्तों उसकी जो पिन है वो भी ठीक थी, और जो फ्रंट एक्सल को देखेंगे नीचे की तरफ वहाँ जब मुक्की खराब हो जाती है वो भी इसकी बिल्कुल ठीक थी दोस्तों। तो आपको ये पूरी जो जानकारी दी है मैंने भरपूर तरीके से A to Z, कैसी लगी दोस्तों जानकारी आपको ये, क्योंकि दोस्तों मैं आप सभी भाइयों के लिए ऐसी ऐसी तमाम जानकारी लेके आता हूँ, क्योंकि जिससे आपकी गाड़ी के स्पेंडल, फ्रंट एक्सल, पावर स्टेयरिंग, हाइड्रोलिक सिस्टम, टर्बो, ये सब इनकी पूरी पूर्ण रूप से मैं आपको जानकारी देता हूँ, क्योंकि दोस्तों जिससे आपके साथ कोई ऐसा काम ना हो जो कि दिक्कत आ जाए। और अभी थोड़ी देर टाइम रुकना दोस्तों, मैं उसका कंप्रेसर वाला काम भी बताऊँगा मैं आपको, जो कुप्पे होते हैं छीकनी होती हैं इनका भी दोस्तों मैं बताऊंगा मैं आपको। वीडियो आने वाली है हो थोड़े टाइम में, तो आपको सारी क्लियर शो करूंगा। अभी मैं पूरा गेम चलाऊंगा, जब आप देखेंगे दोस्तों आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ ऐसे करके ऐसे होता है, और आपको पता भी लग जाएगा। और दोस्तों आपको ये पूरी वीडियो कैसी लगी, अगर मैंने आपको इसमें कुछ बताया हो गलत हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, और मेरी कोई अगर आपको बात अच्छी लगी हो तो जरूर तब भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं। भविष्य में अगर दोस्तों आपको ऐसी ऐसी अगर मेरी वीडियो देखनी है तो मेरे YouTube चैनल टर्बो हाइड्रोलिक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय दोस्तों, और Instagram और Facebook पे यार फॉलो जरूर कर लिया करो।